हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी अभी मुझे पार्सल रिसीव हुआ है जो नायका से है और शायद मंत्रा से। चलिए इसको ओपन करती हूँ और दिखाती हूँ इसके अंदर है क्या। अभी अभी इतना पार्सल आ रहा है, मतलब क्या बताऊँ, याद ही नहीं रहा है कभी क्या मैं वीडियो बनाई थी, कभी क्या अपलोड करे मुझे पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन मैं सारे आपके साथ शेयर करने की कोशिश तो करती रहती हूँ। तो चलिए आप लोग भी देखिए कैसा है। मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा, मतलब इससे पहले भी मैंने ज्वेलरी पहला ऑर्डर की थी नायका से, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। चलिए इसको ओपन करके दिखाती हूँ। और इसको ओपन कर चुकी हूँ, ये मुझे बहुत ही प्रिटी सा लगा। तो इसका जो इयर रिंग्स है वो बहुत ही सुंदर है और ये ना रोज गोल्ड में, वाह मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दिखा देती हूँ आप लोग को, देखिए कितना सुंदर सा पूरा रोज गोल्ड में और एडिस्टोन में है। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहन के दिखाती हूँ आप लोग को, शायद इसमें दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसका इयर रिंग्स भी मैं शो करूँगी, इसको भी आप माथे पे शायद अच्छा नहीं लगेगा। चलिए मैं इसका इयर रिंग्स दिखाती हूँ, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगा। अगर आपको भी पसंद है, आप मुझे अगर मतलब कमेंट करोगे तो मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी आप लोगों को। लेकिन सारे अभी लिंक जो होता है ना उसको अभी मतलब डिस्क्रिप्शन में देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं। फिर से मेरी बहन लाके कितने सारे पार्सल मेरे ऊपर फेंक दी, पता नहीं मैं पार्सल खोलने के लिए आई हूँ शायद। चलिए इसको भी ओपन करके दिखाऊंगी एक एक करके, फिर बीच में कुछ बातचीत भी करती रहती है। इतना सारा काम, अभी शादी के माहौल है, इतना सारा काम है क्या बताऊँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है। कभी क्या करूँ, कभी पार्सल भी ओपन करना पड़ता है, क्योंकि इसको भी देख के अगर रखना है तो रखेंगे, अगर रिटर्न करना है एक्सचेंज है कुछ भी प्रॉब्लम है इसको भी करना पड़ेगा। अगर टाइम भी इसका चला जाएगा ये भी नहीं हो पाएगा, इसलिए टाइम के हिसाब से सारे करना पड़ता है। चलिए इसको ओपन करते हैं। ये मिंत्रा से है, इसमें क्या है लेकिन मुझे नहीं पता। अच्छा, इसमें एक टी शर्ट है जो मैंने मेरे छोटे भाई के लिए ऑर्डर की थी। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं लिवाइस का है। और बताओ, अभी अभी मैं टाटो भी बना के आ गई, टाटो की वजह से मुझे अभी दर्द भी होता है, क्योंकि अभी 2-3 दिन हुआ है मुझे दर्द भी थोड़ा थोड़ा होता है और इचिंग भी होने लग गई है, तो इसलिए उसको भी देखना पड़ता है उसमें लग ना जाए। चलिए कितने सुंदर से पीटी सा कलर है ये रॉयल ब्लू में, बहुत ही अच्छा कलर है इसका। और ये मैं उसकी साइज के हिसाब से ली हूँ, शायद इसको पिटा जाएगा। और मेरे साइज का तो है नहीं, फिर भी मैं दिखा देती मुझे बहुत पसंद आया। चलो नेक्स्ट ओपन करती हूँ, अब इतना भी टाइम नहीं है कि पूरा का पूरा डिस्क्राइब करके बताएं, और वीडियो मेरी बहन आ गई बीच में, वीडियो भी ख़राब कर दी उसने। चलो कोई बात नहीं, फिर से आ गई तो चलो कोई बात नहीं, फिर मैं दिखा देती हूँ। ये वाला एक ब्लाउज है, एक ऐसे कलर आ गया, ये देख के हमारा मूड ऑफ हो गया। आप पता नहीं, ये ना वो अपनी शादी की साड़ी में पहनने वाली थी, उस तरह का मंगवाई थी जो उसका शादी का साड़ी का कलर है, लेकिन ये कुछ दूसरा आ गया, मतलब इमेज में कुछ दूसरा दिखाया गया था और आ गया कुछ दूसरा। तो इसका पैड वैड बहुत ही अच्छा है। और बताओ ब्लाउज के बारे में, तो ब्लाउज का काम बहुत ही अच्छा है और पैड भी, इसका जो कप भी दिया हुआ है बहुत ही अच्छा। बैक साइड में दिखाऊं, बहुत सुंदर है। और ब्लाउज फिटिंग थोड़ा सा मतलब बड़ा भी मंगवाए थे, क्योंकि थोड़ा फिट कर देंगे, तो बैक साइड में दिखाती हूँ इसका। बहुत सुंदर है, बहुत प्रिटी सा पूरा का पूरा नेट है, आप देख सकते हो बहुत सुंदर है। अगर आप लोग को पसंद है तो आप इसे ले सकते हो। अगर आपको मतलब लिंक चाहिए तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप फोटो भी लेके मीशो से फोटो डाल के भी ले सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट ओपन करते हैं, बोलते बोलते थक भी जाती हूँ, पता नहीं मैं क्या बोलूँ इसके बाद में, क्या बोलूँ वो भी मैं मतलब सोचना पड़ जाता है, क्योंकि मतलब कहाँ की बात कहाँ ना बोल दूँ। तो चलिए नेक्स्ट ओपन करती हूँ और दिखाती हूँ उसके अंदर है क्या। एक ब्लाउज है, ये ब्लाउज चलिए ओपन करके दिखाती हूँ। ये ब्लाउज मुझे बोलो एक बार, ये ब्लाउज ना मुझे छोटा आ गया बैक साइड, मतलब ऐसे थोड़ा हाथ पाथ सारा फिटिंग है ठीक है, लेकिन इसका ना जो ब्लाउज का जो हाथ मतलब बैक साइड वाला पोर्शन है छोटा हो रहा है, मुझे ब्लाउज रिटर्न करना पड़ेगा, इसलिए मैं पहन के यूज कर मतलब पहन के देख लेती हूँ। अगर इसका टाइम चला जाता तो ये ब्लाउज वेस्ट हो जाता, अभी तो टाइम है, इसको मैं रिटर्न कर दूंगी। लेकिन क्योंकि ना वीडियो जब बनाई, वीडियो बनाने के मैं शायद 5 दिन बाद ये वीडियो को मतलब मैं एडिट कर रही हूँ, 5 दिन तक ये वीडियो ऐसे ही पड़ा हुआ था मेरे फ़ोन पर, डिलीट हो जाता तो पता नहीं आप लोगों के साथ मैं कैसे शेयर करती। चलिए नेक्स्ट ओपन करती हूँ और देखती हूँ इसके अंदर है क्या। इसके अंदर में भी ब्लाउज है, क्योंकि मैं पहले बताइए शादी का तैयारी चल रही है तो ब्लाउज तो चाहिए ही चाहिए। तो ये दो कॉम्बो में था, कॉम्बो में शायद 250 में, इसका प्राइस मुझे याद है 250 में दो मुझे मिला, और ये बड़ा साइज में है, मतलब अल्टरनेटिव था। और बड़ा साइज तो आ ही जाता है अल्टरनेटिव में, बड़ा साइज आया है। आई होप ये ब्लाउज भी अच्छा आया होगा, हाँ बहुत ही अच्छा आया है। और इसमें ना स्टिच किया हुआ है, एक मतलब एक धागा है, थोड़ा सा निकाल देंगे तो निकल जाएगा इसमें। और इसका पीछे वाला जो हुक है बहुत ही अच्छा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल।